आदिवासी, जल, जंगल, जमीन, ये भारत के आदिम निवासी जो इस धरती के असली वारसदार और भूमिपुत्र हैं, आज कठिनाइयों भरा जीवन जी रहे हैं। पहाड़ियों में रहने वाले ये मेहनती आदिवासी आज अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये संघर्ष केवल प्रकृति के साथ नहीं बल्कि मानव निर्मित और सामाजिक संकटों के खिलाफ भी है। आदिवासी समुदाय की स्थिति सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से अविकसित है। विकास की नीतियां उन तक पहुंच नहीं पाती। स्वतंत्रता को 75 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी हमारा आदिवासी समाज कठिनाइयों का जीवन जी रहा है। इस देश के अंदर जो 12 करोड़ जो आदिवासी जो रहते हैं, इनकी आर्थिक स्थिति क्या है, इनकी सामाजिक स्थिति क्या है, इनके स्वास्थ्य के संबंध में सरकार की क्या योजना है, आदि विषयों का अध्ययन करने के लिए मैं देश के विभिन्न राज्यों का, मैं झारखंड, अन्य प्रदेशों का दौरा किया। शिक्षा के लिए उन्हें बहुत दूर तक चलना पड़ता है। स्वास्थ्य के मुद्दे आज भी उतने ही गंभीर हैं। मेहनती भोले भाले आदिवासी समुदाय का निरंतर विभिन्न तत्वों द्वारा शोषण किया जा रहा है। पूरे भारत में आदिवासी समाज बड़े पैमाने पर पहाड़ियों में बिखरे हुए हैं और महाराष्ट्र में 45 विभिन्न आदिवासी जातियां पाई जाती है। सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से बुनियादी सुविधाओं के अभाव में उन्हें कठिन जीवन जीना पड़ रहा है। इस आदिम जनजाति को विकास की धारा मिलाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत लाया गया। 19 फरवरी 2004 को संविधान में बदलाव करके अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पहले के राष्ट्रीय आयोग को विभाजित करते हुए अनुसूचित जनजातियों के लिए एक स्वतंत्र आयोग की स्थापना महामहिम राष्ट्रपति के आदेश से की गई। जब हमारा देश का जो संविधान बना बाबा साहब अम्बेडकर ने, हमारे जो आदिवासी भाई है, एससी एसटी के हैं, ये दलित हमारे भाई है, इनके लिए एक विशेष चिंता करी है कि भाई कि संविधान में तो इनकी सुरक्षा तो है ही है, पर इसके लिए उन्होंने शुरू में एक कमिश्नर नियुक्त किया है पूरे देश के अंदर। आज तक इस आयोग के अध्यक्ष ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। वर्तमान में इस समिति की अध्यक्षता की जिम्मेदारी माननीय अंतर सिंह जी आर्य के पास है। अंतर सिंह जी स्वयं आदिवासी हैं और उन्हें आदिवासियों की समस्याओं की गहरी समझ भी है। समाज के प्रति उनके मन में अपार प्रेम और करुणा है। माननीय अध्यक्ष जी का जन्म स्थान मध्य प्रदेश, जहां उन्होंने विधायक, सांसद और मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। हमारे राष्ट्रपति जी भी, प्रधानमंत्री जी ने मुझे यही बोला है कि इस देश के अंदर आदिवासियों को वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जल जंगल के अंदर जो जमीन, जो आदिवासी जो खेती कर रहे हैं, क्या उन लोगों को वनाधिकार का पट्टा दिया गया या नहीं दिया गया। 13 दिसंबर 2005 के पूर्व यदि कोई आदिवासी जमीन के अंदर खेती कर रहा है, उनके बच्चों का पालन पोषण कर रहा है, इनको वास्तव में ये पट्टे मिले कि नहीं मिले। और जो देश के अंदर जितने भी वन अतिक्रमण सेंटर हैं और वन ग्राम जो है, उसको भी भारत सरकार उसको रेवेन्यू गांव में घोषित कर रही, ताकि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना का लाभ इन लोगों को मिले। हाल ही में अंतर सिंह जी आर्य आदिवासी मुद्दों को समझने के लिए महाराष्ट्र के जलगांव जिले में आए थे। उन्होंने चोपड़ा, यावल और रावेर क्षेत्र के आदिवासी संगठनों के पदाधिकारियों से मुलाकात की। चोपड़ा तालुका के वैजापुर में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने सीधे आदिवासी लोगों से चर्चा की और आदिवासी बस्तियों का दौरा किया। इसके साथ बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ के आदिवासी छात्रों के मुद्दों को समझते हुए उन्हें मार्गदर्शन भी किया। इस दौरे के दौरान
आयोग के अध्यक्ष से चर्चा करने का अवसर भी उनको मिला। आदिवासी समुदाय के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए और क्या किया जा सकता है, इस पर चर्चा हुई। कुठल्याही गोष्टीसाठी आयोग हे संरक्षणाची जबाबदारी घेत असतं। आयोगाकडे आपण तक्रार करू शकतो किंवा आयोग स्वतःहून सुद्धा काही गोष्टीमध्ये नोटीस काढू शकतो सरकारला आणि सगळ्या यंत्रणांना। आयोगाला सिव्हिल कोर्टाचे अधिकार आहेत। इसलिए हमने ये डिसीजन मैंने किया है कि भाई कि कलेक्टर की अध्यक्षता में 5 लोगों की एक कमेटी बना दी, जिसमें DOFO रहेंगे, AC ट्राइबल यहाँ पर प्रोजेक्ट ऑफिसर कहते हैं, और एक कमीशन का अधिकारी रहेगा, एक सामाजिक कार्यकर्ता रहेगा। इस प्रकार से 5 लोगों की कमेटी होगी और इनको कमीशन ने साल भर का समय दिया है, हर महीने इसकी समीक्षा होगी। आदिवासी समुदाय ने अपने मुद्दे आयोग के समक्ष रखे। संभाजीनगर जिले में बोगस आदिवासियों पर तात्कालिक कार्रवाई की मांग की गई। कई लोगों ने कानून की खामियों का फायदा उठाकर आदिवासियों के हक पर डाका डाला है। राज्य सरकार ने दिसंबर 2017 में विशेष जांच समिति का गठन किया था, जिसने सरकार को रिपोर्ट सौंपी थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने ये भी बताया कि पेसा क्षेत्र में आरक्षित जगहों की चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन अंतिम सिफारिश के लिए राज्य शासन ने नियुक्ति के आदेश नहीं दिए हैं। और आदिवासी संशोधन प्रशिक्षण संस्था अर्थात TRTI पुणे में नियमित आदिवासी अधिकारियों की नियुक्ति के लिए भी मांग की गई है। चोपड़ा, यावल और रावेर क्षेत्र में आदिवासी समुदाय की बड़ी संख्या को देखते हुए आयोग को केंद्र और राज्य सरकार से उद्योग स्थापित करने की अपील की है। आयोग के अध्यक्ष माननीय अंतर सिंह जी आर्य ने इन मुद्दों की गंभीरता को समझते हुए सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया है, क्योंकि ये सब आधी रिपोर्ट हम माननीय राष्ट्रपति जी को प्रतिवेदन देंगे। राष्ट्रपति महोदय हमारे प्रतिवेदन को राज्यसभा और लोकसभा के अंदर सदन में पारित करवाकर सरकार उसके लिए नियम कानून बनाएंगे। आयोग हमेशा अपने स्तर पर आदिवासी समुदाय के मुद्दों के प्रति सजग रहा है, जिसका परिणाम स्वरूप आदिवासी छात्रों को सुप्रीम कोर्ट में इंटर्नशिप की मंजूरी मिली है, जो उनके लिए गर्व का विषय है। तो ये बात हम लोगों को बहुत अच्छी लगी कि हमारे चेयरपर्सन जो हमें अपने लगने चाहिए, इस तरह से हमारे बीच में आते हैं, हर एक बात हमसे शेयर करते हैं, और वो बात लेके उसको जल्द से जल्द कैसे सुझाव होगा इसके लिए वो एक अच्छा एक पहल स्टार्ट करते हैं। इसकी वजह से हमारे समाज के अंदर इतना अच्छा माहौल है कि जो बात हम कभी तहसील तक नहीं रख सकते थे, तो वो आज कमीशन्स के माध्यम से और चेयरपर्सन जी के माध्यम से डायरेक्टली दिल्ली पहुंच रही है। आदिवासी आयोग की स्थापना समाज और देश में आदिवासी लोगों के उत्थान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आयोग द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों का कार्यान्वयन समाज के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण सफलता साबित होगी, इसलिए इस आयोग से आदिवासी समुदाय की अपेक्षाएं बहुत अधिक है। क्या किसी के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा? किसी आदिवासी की जमीन कोई अदर कास्ट में तो नहीं छीन रखी है? कहीं आदिवासी के ऊपर उत्पीड़न तो नहीं हो रहा? कई एक प्रोजेक्ट में आदिवासी को जो पुनर्वास की व्यवस्था होती है, वो देश के अंदर किस और मतलब लोगों को सुविधा मिली, आदि आदिवासियों की समस्या का समाधान करने के लिए कमीशन बना है। मैं समझता हूँ कि जो हमारा जो व्यापक देश के अंदर दौरा होगा, इसका लाभ सीधा हमारे आदिवासी भाई को मिलेगा। अंत में ये कहा जा सकता है कि सरकार और समाज के संयुक्त प्रयासों से आदिवासी लोगों की स्थिति में सुधार संभव है, जो देश के समग्र विकास में योगदान दे सके। ये एक सकारात्मक कदम है जो सभी के लिए बेहतर भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगा।